स्वागत है आपका इंडियन फूड्स विद हूसा में। आज हम बनाएंगे चौराई साग के क्रिस्पी पकोड़े। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने 200 ग्राम चौराई के साग को चुनकर साफ पानी से अच्छी तरह से धुल लिया है और इसके सारे डंठल को एक तरफ कर दिया है और पत्तियों को एक तरफ कर दिया है। अब इसे हम काट लेते हैं। थाली को उल्टा करके रखेंगे और इसके ऊपर चौराई के साग को रख देंगे। साग के मोटे वाले डंठल को काट करके हटा देंगे क्योंकि पकौड़े बनाते समय पकौड़े में यह पकते नहीं हैं, और साग को थोड़ा मोटा मोटा काट लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटेंगे, नहीं तो पकौड़े बनाते समय इसके पत्ते जो हैं वो जल जाते हैं। आप इसे चॉपिंग बोर्ड पर या आपको जिस तरह से सुविधा मिलती है आप इसे काट सकते हैं। गर्मी और बरसात में चौराई साग के पकौड़े को बहुत पसंद किया जाता है। यह खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। आप भी इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा। उम्मीद है आपको भी बहुत पसंद आएगा। सारे पत्तों को इकट्ठा कर लेंगे। यहाँ पर हमने एक कप चावल और एक चौथाई चने दाल को 2 से 3 घंटे तक भिगोकर छोड़ दिया था और यह अच्छी तरह से फूल चुका है। अब हम इसे मिक्सर जार में डाल देंगे। एक छोटी चम्मच खड़ा जीरा डालेंगे, 7 से 8 कली लहसुन डालेंगे, 4 हरी मिर्च डालेंगे, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब हम इसे दरदरा पीस लेंगे। इसमें पानी नहीं डालना है। इस तरह से पेस्ट तैयार करना है। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं। अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। आप इसकी जगह पर बेसन या चावल के आटे का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से बनाए हुए पकौड़े काफ़ी देर तक क्रिस्पी और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। एक छोटी चम्मच अजवाइन को हाथ से क्रश करके साग में डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मैश करेंगे। ऊपर से नीचे तक मिलाते हुए चावल दाल को साग में अच्छी तरह से मिला देंगे और इसमें पानी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसे अलग रख देंगे। अब हम गैस चलाकर कढ़ाई को गर्म कर लेते हैं और इसमें हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे। रिफाइंड ऑयल की जगह पर आप सरसों तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा आंच धीमी कर देंगे और साग के बैटर को उंगलियों पर लेके चपटा करते हुए इसे हम तेल में डाल देंगे। बिल्कुल थोड़ा सा बैटर उठाना है, हाथ पर इसे चपटा करना है और तेल में डाल देना है। आप इसे गोल गोल भी बना सकते हैं, लेकिन उस तरह से पकौड़े बनाने में तेल की मात्रा ज़्यादा लगती है और खाने में वह बहुत ज़्यादा ऑयली लगते हैं। आप कम तेल में इस तरह के पकौड़े बनाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। 2 से 3 हरी मिर्च भी डाल देंगे। एक तरफ थोड़ा सा ब्राउन हो जाने के बाद इसे हम दूसरी तरफ पलट देंगे। इसमें ध्यान रखने वाली यही बात है कि पकौड़े को हम गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, नहीं तो वो बाद में खाने में जले हुए महसूस होते हैं। जैसे ही पकौड़े थोड़ा सा कड़क हो जाएगा, मिर्च हो चुकी है, इसे हम बाहर निकाल लेंगे। पकौड़े भी कड़क हो गए हैं और इसका कलर चेंज हो गया है, इसे भी हम बाहर निकाल लेंगे। इसे आप बनाने के 2 से 3 घंटे के बाद भी यूज कर सकते हैं और खाने में इतने ही स्वादिष्ट लगते हैं। आप इसे मीठी चटनी, तीखी चटनी के साथ गर्मा गर्म खाइए और खिलाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।